हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपन आगे शुरू करते हैं। अपन ने जहाँ से छोड़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसके आगे अपन बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी अपन ने, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन ने बात कर ली थी एक्सियल लाइन की, और एक्सियल लाइन के ऊपर अपन ने एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट के ऊपर अपन ने डिटरमाइन कर लिया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। तो ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, पॉइंट ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्लेस थे। तो अपन ने कहा कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ अपन ने बात की कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर यहाँ पॉइंट पी अपन ने लिया, और इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि भाई पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों के ड्यू टू होगी। अब प्लस क्यू चार्ज जो है उसके ड्यू टू पॉइंट पी के ऊपर एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू भी होगी। दोनों को अपन क्या कर देंगे, यहाँ इनका सम कर देंगे, और वो हमारी नेट वैल्यू होगी किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अब एक बार डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, उसी के बाद ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो देखो, अपन ने क्या कहा, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए और बी के बीच में कितना है, 2a। ये मिड पॉइंट ओ है, तो मिड पॉइंट से ए तक की ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, a, और ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल a। अब अपन ने क्या कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्यू से और प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से स्टार्ट हुआ कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और प्लस क्यू के ऊपर जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट। तो प्लस क्यू के ड्यू टू पॉइंट पी के ऊपर अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, देखो बी से कहाँ जा रहे हैं अपन, पी की ओर। तो इसकी डायरेक्शन अपन ने यहाँ पी के ऊपर प्लस क्यू के ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर की, वो ईवन जो है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बी से पी की ओर। फिर अपन पी के ऊपर यहाँ पहुँच चुके हैं, अब अपने को आना है कहाँ पर, माइनस क्यू के ऊपर। तो माइनस क्यू से मतलब P से माइनस क्यू यहाँ आएंगे अपन, तो माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी जो डायरेक्शन वो किस ओर होगी, P से A की ओर। अब अपन बात करेंगे भाई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, दो ए ओ पी और बी ओ पी। अब अपने क्या कहा भाई, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये पॉइंट R जो है, इस आर पॉइंट को अपन ने रिजल्टेंट कहा है, यहाँ पर अपने को नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो अपन ने क्या कहा, देखो ये पी है, पी वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये, तो इसकी डायरेक्शन जो हमेशा किस ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई पी। अब यहाँ देखो, ये अपन ने ईवन जो एज्यूम किया, ये P से A की ओर कौन है, A2, तो इनके बीच में जो इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको अपन ने क्या कहा, E इक्वेटर। तो E इक्वेटर की वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा अपन ने लिखा कैसे, तो देखो यहाँ अपन ने कहा कि भाई ये एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन, हर लाइन जो होगी उसके दो दो कंपोनेंट होंगे। तो देखो, इसके दो कंपोनेंट और इसके भी दो कंपोनेंट। तो अपन ने कहा कि भाई इस लाइन के लिए और अपने नेट जो अमाउंट होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो वो देखो इसके इसके क्या होंगे, इस पे इसके पैरेलल होंगे, ए बी के पैरेलल होंगे ये दोनों। तो ये क्या होंगे, ये एक्सियल लाइन के थ्रू क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा, ई वन का जो एक्सियल लाइन के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो कौन है, ई वन कोस थीटा। और ये जो A2 है मींस P से A की ओर, मींस माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू, इसका जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, A2 cos थीटा। तो हुआ क्या,
अब ये देखो ई1 साइन थीटा और नीचे ये किसका, ई2 साइन थीटा किसका, ई2 का। ये क्या है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई ये देखो ई1 और ई2, यहाँ ई1 जो है प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू, अपन ने बात की क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू अपन ने बात की वो क्या है, ई2। तो देखो दोनों के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इनके डायरेक्शन देखो दोनों के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई ए1 साइन थीटा और ए2 साइन थीटा जो होंगे ये मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। सो ए1 साइन थीटा और ए2 साइन थीटा जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो पॉइंट पी के ऊपर जो नेट अमाउंट बचेगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो किसके ड्यू टू रहेगा, ई1 और ए2 के एक्सियल लाइन के और कंपोनेंट्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद अपन आगे